टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में अब रोड के किनारे धंधा लगाने वाले हॉकर्स का धंधा मानो पूरी तरीके से बंद हो गया है। आज राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन से लेकर शिमला पार्क तक मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी, सागर सालुंके, मुंब्रा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने दौरा किया। कहीं भी हॉकर्स को रोड के किनारे धंधा लगाने नहीं दिया गया। इस दौरान कुछ हॉकर्स धंधा लगाए थे, उन पर कार्रवाई भी की गई। मुंब्रा शहर में हॉकर्स को लेकर मामला काफी गर्म है। मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी का कहना है कि कोई भी हॉकर्स को रोड के किनारे धंधा लगाने नहीं दिया जाएगा। जिस किसी को धंधा लगाना है वो मित्तल में आकर धंधा लगा सकता है। मित्तल के गेट के पास हॉकर्स के लिए जगह दी गई है। रोड के किनारे धंधा लगाने वाले हॉकर्स मित्तल में धंधा लगा सकते। गोसावी ने कहा है कि हॉकर्स रोड के किनारे आज धंधा नहीं लगाए हैं, इसलिए मुंब्रा का ट्रैफिक फ्री है, मुंब्रा के रोड क्लियर है, कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं है, रोड पूरी तरीके से खाली है, आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो रही है। मगर सवाल हॉकर्स के रोजी रोटी पेट से जुड़ा हुआ है। मित्तल में मनपा अधिकारी हॉकर्स को बुला रहे हैं और कोई भी हॉकर्स मित्तल में जाने को राजी नहीं है। हालांकि कैमरे के सामने कोई भी हॉकर्स बोलने को राजी नहीं हुआ, मगर ऑफ कैमरा हमसे कई हॉकर्स ने बात की। सभी का कहना है कि मित्तल में कोई भी खरीदारी करने नहीं आता है। ऐसे में रमजान का महीना आने वाला है, मित्तल में धंधा नहीं होता है। कई हॉकर्स ने ये भी जानकारी हमें दी कि हम रोड के किनारे से मित्तल में आज ही चले जाएंगे, मगर इसकी गारंटी कौन लेगा कि गुलाब पार्क मार्केट में आज के बाद से रोड के किनारे कोई भी हॉकर्स धंधा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि यहाँ हॉकर्स से पैसा लेकर बिठाया जाता है, कभी ये बंद नहीं हो सकता है। हफ्ता लेने वाले हफ्ता लेकर मार्केट दोबारा चालू कर देंगे और दोबारा रोड के किनारे गुलाब पार्क मार्केट में धंधा लगना चालू हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हफ्ता लेकर रोड के किनारे हॉकर्स को बिठाते हैं। अगर वाकई में गुलाब पार्क मार्केट में ऐसा हो रहा है तो मनपा अधिकारी और पुलिस विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जांच पड़ताल करके इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुंब्रा शहर के हॉकर मानो फुटबॉल बनकर रह गए हैं। कभी कार्रवाई की मार इन्हें झेलनी पड़ती है तो कभी मित्तल में जो लगाए हैं उन्हें धंधा न होने की मार झेलनी पड़ती है। ऐसे में अब रोड के किनारे धंधा लगाने वाले हॉकर्स के लिए बड़ी मुसीबतों का दिन सामने आ गया है और आने वाले रमजान में इनका क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आज गुलाब पार्क पूरी मार्केट हॉकर्स से खाली थी, पूरा रोड फ्री था, मगर हॉकर्स को मित्तल में शिफ्ट करने के लिए मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी ने कहा है कि मित्तल में आकर रोड के किनारे धंधा लगाने वाले हॉकर्स सभी मित्तल में आए और धंधा लगाए। इस संदर्भ में क्या कुछ जानकारी दी है मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी ने सुनी। रोड हॉकर्स रोड पर मेन रोड पर धंधा नहीं कर सकते, ये मतलब कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये हम कंटिन्यू कार्रवाई चालू रहेंगे। हम कब तक चालू रहेगी साहब ये कार्रवाई? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो रहेगी, जब तक रहेगी, रिटायर होने तक। अच्छा, और जो मतलब जो हॉकर्स यहाँ पर लगाते थे धंधा, अगर कार्रवाई आप लोगों की जारी है तो ऐसे में फिर लोगों को कोई स्थायी जगह दी जा रही है? जो जगह आपको देने के लिए उनको तैयार है, 578 लोगों का सर्वे भी अपन किया है, उधर मार्किंग भी किया है। अब कल उनको बोला है कि तुम हम रोड फ्रंटेज जैसा ये जगह ऐसा, वो भी रोड फ्रंटेज जगह जो आपने मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया था कल, हाँ। कि मित्तल के फ्रंटेज हम तुमको देने के लिए तैयार है, तो कल सर्वे किया। मित्तल के आसपास कहा जा रहा है लगाने के लिए, लेकिन वहाँ देखा जा रहा है मित्तल के पास जो है कचरा भी वहाँ से उठाया जा रहा है, तो ऐसे में होकर भी परेशान नहीं? नहीं, जो कचरा उठाया जा रहा है कि नहीं, और दो गेट है उसको, एक गेट से अंदर जाने का, एक गेट से बाहर निकलने का, और ये बीच में कचरे वाले है, कचरे वाले को और हम पीछे लेंगे, मैदान है कि नहीं? तो कब से लोगों को जगह दोगे आप? हमारा तो आज से तैयारी था, हमारे पास आए नहीं, उनको इधर ही जगह मांगता है, इधर तो बैठे नहीं देंगे। यानी अगर पट्टे वाले लोग को लगाने दोगे साहब? कहाँ से? वो नसीम बाग के नाके से लेके किस्मत कॉलोनी तक या तनवा? हमारे पहला जो आएगा पहली जगह मिली, नहीं तो लॉटरी, या तो लॉटरी। हाँ,
यानी सभी हॉकर्स आपसे मुलाकात करें और वहाँ पर जाकर लॉटरी के मैं जो बात करने की भी जरूरत नहीं है, उनको यूनियन को सब मैं बता दिया लीटर वाले ये जगह तुमको दी है उधर जाने के, इधर नहीं आने मित्तल के पास। बहरहाल हॉकर्स का धंधा लगाना रोड के किनारे तो मुश्किल है, मगर ये भी बात अब देखने वाली है कि कब तक मुश्किल है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।